हेलो फ्रेंड्स, एंजल होम किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि कच्चे आलू से रेडी होने वाला है बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप 5 से 10 मिनट में ढेर सारा कुरकुरा टेस्टी नाश्ता बना के रेडी कर सकते हैं। और कोई गेस्ट भी आ जाए ना, आप आसानी से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और गेस्ट भी खुश हो के जाएंगे, बहुत ही यमी लगती है। तो इस वीडियो को मैं कर रही हूँ अब स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले ली हूँ 2 से 3 मैं यहाँ पे ली हूँ मीडियम साइज़ का आलू, जिसे मैं अच्छे से वॉश करके क्लीन कर ली हूँ। और अब क्या करना है कि इसे अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद इसे कद्दूकस कर लेना है। आप चाहें तो आपके पास जो भी ग्रेटर है ना, मोटा वाला जाली या फिर पतले वाला जाली, आप किसी भी जाली से कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं पतले वाले जाली से कर रही हूँ, जिससे हमें क्या होगा कि ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं पतले वाले जालू से इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। और इसी तरीके से सारे पोटैटो को मैं कर ली हूँ ग्रेट। और ये देखिए, लच्छेदार हमारा आलू बन के रेडी हो गया है। और अब इसे 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे जो भी स्टार्च वगैरह होगा ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आलू जो है उसमें रेडनेस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल खिला खिला और वाइट वाइट दिखेगा। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर ली हूँ। वॉश करने के बाद मैं पैन में चढ़ा दी हूँ थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए। थोड़ा सा पानी जब गर्म हो जाए, फिर इसमें ग्रेट किया हुआ आलू इसमें ऐड कर लेना है। और ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस लो फ्लेम पे करीबन 1 से 2 मिनट तक, लो फ्लेम पे ही, हाई फ्लेम पे नहीं, इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। जिससे कि हल्का जब ये पकने लग जाना, फिर हमें क्या करना है कि इसे वापस से छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेना है। जिससे अगर आप ज़्यादा पकाते हैं ना, तो फिर जो आप बनाते हैं ना नाश्ता स्नैक्स, वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये 1 से 1.5 मिनट ही कंप्लीट हुआ है, बट मैं इसमें निकाल ली हूँ छन्नी में वापस से। और निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और अब मैं ले ली हूँ एक कॉटन का कपड़ा, जिससे क्या होता है ना कि आप अच्छे से पानी निचोड़ पाते हैं। आप छन्नी में अगर निचोड़ते हैं ना, तो उसमें आसानी से अच्छे से नहीं निचोड़ पाते। इस तरीके से अगर आप कॉटन के कपड़े से निचोड़ते ना, तो सारा पानी बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से सारा पानी बाहर आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं सारे पानी को निचोड़ लूँगी। आपके पास जो भी सामान है अवेलेबल है, आप उससे इसे निचोड़ लें, या तो फिर आप कपड़े से निचोड़ें, या फिर छन्नी की मदद से भी आप निचोड़ सकते हैं। और ये लीजिए, काफ़ी खिला खिला आलू है। ये देखने से लग नहीं रहा है कि मैंने इसे थोड़ा सा उबाला भी है, लेकिन ये काफ़ी खिला खिला दिख रहा है। तो वापस से इसे ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में, जिसे हम मिक्स करने वाले ना, आसानी से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्टीम करते समय भी नमक ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग, और यहाँ पे 2 से 3 बड़ी चम्मच ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जिससे क्या होगा ना कि क्रिस्पी बनाएगा हमारे नाश्ते को। तो यहाँ पे मैं 3 बड़ी चम्मच ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है, इसे साफ सूखा सूखा बना लेना है। और ये लीजिए, यहाँ पे लच्छेदार आलू रेडी हो गया है स्नैक्स बनने के लिए, बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे स्टफिंग भी भर सकते हैं इसके अंदर, बट वैसे भी आप बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वैसे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से बना के चाट वगैरह बना सकते हैं, और मैं इसके अंदर कोई भी स्टफिंग नहीं भर रही हूँ। आप अगर भरना चाहें तो इसके अंदर पोटैटो या फिर मटर वगैरह भी भर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और ये लीजिए, हथेलियों के बीच इस तरीके से रख के इसे प्रेस करके बना लेना है। सारे पोटैटो को मैं इसी तरीके से बना के रेडी कर ली हूँ। और ये देखिए, काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये देखने में खिला खिला लग रहा है। तो हमें क्या करना है, अब मैं ले रही हूँ एक तावा। आप चाहें तो लोहे का कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करें कि लोहे का ही बर्तन ले, तावा कढ़ाई या फिर जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। लोहे का लेने से ये होता है ना कि क्रिस्पी ज़्यादा करता है, नॉनस्टिक इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं कर पाएगा इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे तावे का यूज़ किया है। और इस तावे के ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करी हूँ रिफाइंड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इसलिए नहीं ऐड करी हूँ क्योंकि थोड़ा सा येलोनेस आ जाता है मस्टर्ड ऑयल में, तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड करी हूँ, जिससे हमारा वाइट वाइट स्नैक्स बनके रेडी हो जाएगा। और एक तरफ से जैसे ये सीख जाए ना, इसे प्लेट के साइड में कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी भी होता रहेगा और ये धीरे धीरे पकता भी रहेगा। और ये लीजिए, इसी तरीके से हमारा ये स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। आपको देखने से लग रहा होगा ना कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन सकता है, बहुत ही यमी लगती है। अगर आप एक बार इस तरीके से पोटैटो स्नैक्स बनाते हैं ना, फिर खुद पे यकीन नहीं हुआ कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी भी बन सकता है।
अगर आपको ये रेसिपी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई से क्या होगा ना कि और ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। तो मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ, सेलो फ्राई भी बहुत क्रिस्पी ही बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।